नीमच खाद्य विभाग द्वारा पुलिस बल के साथ नीलखंड उद्योग पर छापामार कार्रवाई की गई, जहां मंडी से क्रय 9000 किलोग्राम अजवाइन संग्रहित पाई गई व फतेहलाल द्वारकादास ब्रांड से जीरा 500 ग्राम के पैक में 17 कट्टे विक्रय हेतु संग्रहित पाया गया व नीलखंड कलेश ब्रांड का अजवाइन 100 ग्राम और 500 ग्राम की पैकिंग में पैक कर विक्रय हेतु रखा था। 150 कार्टून जिनमें 3000 किलोग्राम अजवाइन पैक्ड अवस्था में विक्रय हेतु रखी थी। मौके से नीलखंड कलश अजवाइन व फतेहलाल द्वारकादास जीरा का नमूना मानक स्तर की जांच हेतु लिया गया। फर्म संचालक को साफ सफाई रखने के निर्देश दिए व अजवाइन को जमीन पर न रखने और नियम अनुसार सुखाने के निर्देश दिए। जो है एडिशनल SP साहब, CSP साहब और SDM साहब के द्वारा एक दल का गठन किया गया था। इसमें जो अभी जांच अभियान किया जा रहा है यहाँ पे प्रारंभ, इसके अंदर खाद्य एवं औषधि विभाग को भी रखा गया है। इसमें जितनी भी मिलावटी खाद्य सामग्री निर्मित हो रही हैं, पूर्व में जो कार्रवाइयाँ की गई थी उसी को ध्यान में रखते हुए कि कहीं अभी वापस से मिलावटखोर जो हैं वापस से कहीं एक्टिव तो नहीं हो गए हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए जो दलों का गठन किया गया है और उसमें अलग अलग थाना क्षेत्रों के TI को भी रखा गया है। जिस थाना क्षेत्र का मामला होगा वहाँ पे उस थाना क्षेत्र के TI जो हैं साथ में रहेंगे, साथ में नायब तहसीलदार, तहसीलदार, ये सभी लोग जो हैं इसमें कार्रवाई को अंजाम देंगे। और कल इसमें एक कुछ लीड मिल रही थी जिसमें हम लोगों ने नीलकंठ उद्योग नामक एक फर्म है राज पैलेस होटल के पीछे, उसकी जांच की गई और उस जांच में वहाँ पर ये पाया गया कि उनके द्वारा जो है अजवाइन का काम प्रमुख तौर से किया जाता है और साथ में मंडी से जीरा भी क्रय किया जाता है। काफ़ी अधिक मात्रा में उनके यहाँ पे अजवाइन जो है संग्रहित था, क्लीनिंग का भी काम चल रहा था उनके यहाँ पे और उसके बाद में उनके द्वारा जो है अजवाइन को छत पर सुखा कर उसके अंदर से मॉइस्चर हटाया जा रहा था और उसके बाद में उसकी क्लीनिंग करने के बाद में मशीन के द्वारा जो है अपने पैकिंग के अंदर उसको पैक करके और मार्केट में विक्रय किया जाता है। दो ब्रांड्स वहाँ पर प्रमुख तौर पे, एक तो साफ़ सफाई की अभी कमी थी जो कि एक फूड इंडस्ट्री में होना चाहिए, वो उनको निर्देश दिए गए हैं। और दूसरी बात, जो बोरे का उपयोग वो किया जा रहा था वहाँ पे अजवाइन को रखने के लिए, वो जूट वाले बोरे जो हैं आजकल बंद हो चुके हैं, हालांकि वो कच्चा माल था इसलिए उनको उसमें समझाइश दी गई। और जितना भी फिनिश्ड गुड होता है जो मार्केट में विक्रय के लिए रहता है वो सारे के सारे जो है फूड ग्रेड के ही आपके पैकिंग के अंदर रखा जाता है, उनको वो जूट बैग्स के अंदर नहीं रखा जाता है क्योंकि उसके अंदर के जो रेशे होते हैं वो खाद्य पदार्थों में मिल जाते हैं जिससे मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंच सकती है किसी भी प्रकार से, इसीलिए उनको वो भी निर्देश दिए गए हैं। और एक छत के ऊपर जो उन्होंने सुखाया गया था और उसी के ऊपर उनके मजदूर भी चल रहे थे वो अजवाइन के ऊपर, क्योंकि अभी कोरोना संक्रमण भी है, मजदूर जो टॉयलेट्स वगैरह वहीं पर छत पर बनी हुई थी वहाँ भी जाते हैं, उसके बाद में वही चप्पल और वही पाँव रख के जो है उस अजवाइन के ऊपर चल रहे हैं क्योंकि वो एक खाद्य पदार्थ है और अब एक प्रोसेसिंग की स्टेज में है, इसीलिए किसी भी प्रकार से जो है उसको आप छत पे सुखाएं लेकिन नीचे एक तिरपाल आपको बिछाना चाहिए, उसके ऊपर उसको रखना चाहिए और इसमें प्रोहिबिट करना चाहिए कि भाई उसके ऊपर मजदूर जो हैं उसके ऊपर ना चलें। और मौके से हम लोगों ने देखा कि दो ब्रांड वहाँ पे जो है उनके द्वारा तैयार किए गए थे, एक तो नीलकंठ कलश ब्रांड और एक फतेहलाल द्वारकादास ब्रांड, जिसमें एक जीरा की पैकिंग की गई थी और एक जो है अजवाइन की पैकिंग की गई थी। इन दोनों के ही नमूने वहाँ से जाँच के लिए लिए गए हैं और उनको समझाइश भी दी गई है कि अब वर्तमान में आप जो है इसमें साफ़ सफाई रखेंगे और दो नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद में जिस तरीके की रिपोर्ट प्राप्त होती है उसमें संबंधित न्यायालय में उनका प्रकरण जो है वो दर्ज किया जाएगा। नीमच से दीपक हदावे की रिपोर्ट।